लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस चीफ और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोट खरीदने का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोट खरीदने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा के लिए 5,530 करोड़ रुपए आवंटित करने का ममता बनर्जी का फैसला मुस्लिम वोट खरीदने के अलावा और कुछ नहीं है। अमित मालवीय ने कहा, यह फंड शेख शाहजहां, शौकत मुल्ला, जहांगीर खान जैसे अपराधियों और संदिग्ध मौलानाओं के माध्यम से भेजा जाएगा, जो इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि मुस्लिम टीएमसी को वोट करे। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति के बावजूद पश्चिमी बंगाल के मुस्लिम पूरे भारत में सबसे पिछड़े और गरीब है। बंगाल में मुस्लिमों का यह हाल तब है जब आजादी के बाद से राज्य में कांग्रेस, वामपंथी और अब टीएमसी की सरकार है। यहां बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं रही है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरी तरह गिड़गिड़ाते हुए 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को टालने का आग्रह किया था। यह तीनों कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं। ममता ने आपराधिक कानूनों को नए सिरे से संसदीय समीक्षा पर जोर दिया। यह 3 नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षी अधिनियम 2023। टीएमसी प्रमुख ने गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से भी मुलाकात की, जो विधेयकों की जांच करने वाली संसद की स्थायी समिति का हिस्सा थे, और उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, द्रमुक नेता एनआर एलंगो और चिदंबरम ने तीनों विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट में असहमति जताई थी। ममता ने कहा था कि यह तीनों विधेयक लोकसभा में ऐसे समय में पारित हुए जब 146 सांसद सदन से निलंबित थे। ममता ने कहा, आपकी पिछली सरकार ने इन 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को एक तरफा और बिना किसी बहस के पारित कर दिया था। उस दिन लोकसभा के लगभग 100 सदस्यों को निलंबित कर दिया था और दोनों सदनों के कुल 146 सांसदों को संसद के बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के उस काले दौर में विधेयकों को तानाशाही पूर्ण तरीके से पारित किया गया, मामले की अब समीक्षा होनी चाहिए। ममता ने कहा, मैं अब आपके कार्यालय से आग्रह करती हूं कि कम से कम कार्यान्वयन की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाए। इसके 2 कारण हैं, नैतिक और व्यवहारिक। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण विधायी बदलावों पर नए सिरे से विचार विमर्श होना चाहिए और जांच के लिए नव निर्वाचित संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि जल्दबाजी में पारित किए गए नए कानूनों को लेकर सार्वजनिक रूप से व्यक्त की गई व्यापक आपत्तियों के मद्देनजर नए सिरे से संसदीय समीक्षा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी। यह तरीका नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रस्तावित कानून की गहन जांच करने का अवसर प्रदान करेगा। सूत्रों ने कहा कि यह मुद्दा आगामी संसद सत्र में विपक्षी दलों द्वारा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने नए कानूनों के कार्यान्वयन को स्थगित करने की मांग का समर्थन किया है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।